और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्तार के करीबी पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। करीबी बिल्डर के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चला है। 48 फ्लैट वाला अपार्टमेंट जमींदोज होगा। 10 जून को अपार्टमेंट को जमींदोज किया जाएगा। एलडीए कोर्ट ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। ज्वेल अपार्टमेंट की 10 को पूरी हो रही मोहलत। मुख्तार का करीबी है बिल्डर नदीम उर रहमान। कोर्ट ने बिल्डर को 30 दिन की मोहलत दी थी। मानचित्र के विपरीत किए गए थे अवैध निर्माण। तो मुख्तार के करीबी बिल्डर के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलेगा। 10 जून को मुख्तार के करीबी बिल्डर के 48 फ्लैट वाले अपार्टमेंट को जमींदोज किया जाएगा। मुख्तार के करीबी बिल्डर नदीम उर रहमान के जॉपलिंग रोड से ज्वेल अपार्टमेंट को ध्वस्त किया जाएगा। एलडीए ने बिल्डिंग खाली कराने के आदेश दिए थे और आदेश एक महीने का दिया गया था समय। इसमें 10 जून को खत्म हो जाएगी मियाद। लखनऊ के जॉपलिंग रोड स्थित ज्वेल अपार्टमेंट को 10 जून को जमींदोज कर दिया जाएगा। माफिया मुख्तार और उसके ग्रुप को लगेगा एक और बड़ा झटका। 48 फ्लैट वाला ज्वेल अपार्टमेंट ध्वस्त होगा। मुख्तार के करीबी का यह अपार्टमेंट बताया जा रहा है और ये जो अपार्टमेंट है 48 फ्लैट का लगभग बताया जा रहा है जिसको ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि एक महीने की मोहलत भी दे दी गई थी लेकिन एक महीने की मोहलत में कुछ नहीं हो पाया, जिसके बाद अब इस अपार्टमेंट को जमींदोज किया जाएगा। इस पर बुलडोजर चलेगा। 48 फ्लैट वाला यह अपार्टमेंट बताया जा रहा है जिस पर बुलडोजर चलने वाला है। 10 जून को अपार्टमेंट को जमींदोज किया जाएगा। पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। एलडीए की कोर्ट ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। ज्वेल अपार्टमेंट की 10 तारीख को यह मियाद पूरी हो जाएगी। मुख्तार का जो करीबी बताया जा रहा है उसका यह अपार्टमेंट 48 फ्लैट वाला अपार्टमेंट बताया जा रहा है जिसको ध्वस्त किया जाएगा, जिसको जमींदोज किया जाएगा। मुख्तार के करीबी पर यह बुलडोजर की कार्रवाई। अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलेगा। 48 फ्लैट वाला ज्वेल अपार्टमेंट बताया जा रहा है जो कि पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगा। 10 जून को अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया जाएगा। हालांकि अब से पहले ऑर्डर दिया गया था। एलडीए की कोर्ट ने ध्वस्तीकरण का आदेश इसको लेकर दे दिया गया है। ज्वेल अपार्टमेंट की 10 तारीख को मोहलत पूरी हो जाएगी। अनिकेत तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अनिकेत, मुख्तार का बहुत करीबी है जिसका 48 फ्लैट वाला अपार्टमेंट ध्वस्त होगा, जमींदोज होगा। देखिए काजल, अगर बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं अवैध निर्माण और जिस तरह से अवैध संपत्ति से जो निर्माण किए जाते हैं इस पर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई का दौर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए ज्वेल अपार्टमेंट की तो जैपलिंग रोड में ये स्थित है, राजधानी लखनऊ में काजल। और बात की जाए अगर इस बिल्डर की तो कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये कहीं ना कहीं जो बिल्डर है इसका माफिया मुख्तार अंसारी से बेहद करीब का संबंध है। हालांकि जो निर्माण किया गया था उन मानकों को दरकिनार करके बनाया गया था। आवासीय जमीन पर व्यवसायिक अपार्टमेंट का ये निर्माण देखने को मिला था जिस पर कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने संज्ञान लेते हुए उस पर नोटिस जारी किया और कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए। हालांकि अगर बात की जाए बिल्डर ने तो बिल्डर ने जरूर ये प्रयास किया था अपने अवैध निर्माण को ध्वस्त होने से रोकने के लिए, जिसको लेकर उसने मंडलायुक्त के यहाँ एक अपील भी दायर की थी। हालांकि मंडलायुक्त जो रोशन जैकब है उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण से पूरे मामले पर संज्ञान मांगा था, लेकिन जो मियाद दी गई 10 जून तक वो मियाद कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है और जिसके बाद ये जो अवैध निर्माण से गिराया जाएगा। हालांकि काजल इस अपार्टमेंट में अभी कुछ परिवार है जो वहां पर रह रहे हैं, हालांकि उन्हें नोटिस दिया गया और उसे खाली कराने के बाद उसको जमींदोज करने की कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण तरफ से की जाएगी काजल। वो जो परिवार उसमें अनिकेत रहते हैं कब तक वो खाली कर देंगे? देखिए काजल, जैसा कि बता रहा हूँ कि 10 जून तक जो अंतिम जो मियाद दे रखी गई थी, डेडलाइन की अगर बात की जाए 10 जून डेडलाइन थी। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण से साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया जा चुका है कि जो भी परिवार उसमें रह रहे हैं वो पहले ही वो फ्लैट खाली कर दे, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से उस जो लोग उसमें रहते हैं क्या उनको दूसरे फ्लैट दिए जा रहे हैं या फिर कोई घर दिया जा रहा है? देखिए काजल, अगर बात की जाए तो इस तरीके की बात अभी कोई निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन एक बात तो जरूर साफ है कि जिस तरह से बिल्डर ने अवैध तरह से बिल्डिंग का निर्माण कराया था और गलत तरह से लोगों को फ्लैट का आवंटन किया, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों के सामने एक बड़ी समस्या जरूर आने वाली है कि जिन लोगों ने उस अवैध अपार्टमेंट पर अपने अपने फ्लैट खरीदे थे आखिर वो लोग अब कहाँ जाएंगे, तो जरूर उनके सामने एक बड़ी समस्या होगी। हालांकि पूरे मामले पर ना तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ना ही मंडलायुक्त की तरफ से कोई बात सामने निकल कर आई है, लेकिन एक बात तो जरूर साफ है कि इस अवैध निर्माण में कहीं ना कहीं काजल जो लोग रहते हैं, जो परिवार रह रहे हैं, इनके ऊपर एक बड़ी मुसीबत जरूर सामने आने वाली है काजल। शुक्रिया निकेत इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो परिवार उसमें रहते हैं उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अवैध निर्माण किया गया, मुख्तार के करीबी पर ये बुलडोजर की कार्रवाई और 48 फ्लैट वाला बताया जा रहा है अपार्टमेंट जिस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक महीने की मोहलत दी गई थी लेकिन कुछ नहीं हो पाया, जिसके बाद जमींदोज किया जाएगा 10 जून को इस अपार्टमेंट को।